संसद भवन के कैंटीन में मिलने वाले खाने की सब्सिडी सरकार ने खत्म कर दी है और अब यहां सांसदों को खाना बाजार रेट के बराबर महंगा मिलेगा। सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि देखिए इन लोगों के खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं, खाने पीने की चीजों में भी ये लोग कटौती कर रहे हैं, तो इससे ये प्रतीत होता है कि देश हमारा बैंक करप्शन की तरफ बढ़ रहा है। देश के हालात जो इन्होंने कर दिए हैं तो शायद एक दिन जनता से यह भी कह देंगे कि अब एक समय का खाना खाना बंद कर दो वक्त का खाना खत्म। ये दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में आर्थिक संकट कितना बड़ा हो गया है। सांसद तो कहीं ना कहीं से खाना खा ही लेते हैं, हम लोगों के तो वहाँ फ्लैट हैं, घर हैं, लेकिन बहुत से पूर्व सांसद और पत्रकार सेंट्रल हॉल की कैंटीन में खाना खाते थे। सांसद तो इसे झेल लेंगे, लेकिन इससे ये संदेश जा रहा है कि आप देश की सबसे बड़ी महापंचायत के लोगों को मुफ्त खाना नहीं खिला सकते, और सब्सिडी पर खिला रहे थे तो उसे भी बंद कर रहे हैं। उन्होंने सब्सिडी खत्म करने का विरोध करते हुए सवाल किया कि क्या मंत्रियों के खर्चे कम हुए हैं। सर, पार्लियामेंट की कैंटीन में जो सब्सिडी मिलती थी, खाना सस्ता मिलता था सांसदों को, अब सरकार सब्सिडी ख़त्म करने जा रही है, क्या कहना है आपका? देखिए, इन लोगों के खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। ये अपने खर्चों में कटौती क्यों नहीं कर रहे हैं? सांसदों के अगर खाने पीने की चीज़ों में भी इन्होंने कटौती कर रहे हैं तो इससे ये एहसास होता है कि देश हमारा बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस में दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है। देश के हालात जो इन्होंने जिस जगह पे लाके खड़ा कर दिए, तो शायद कुछ दिन बाद ये पब्लिक से कह देंगे कि अब एक वक्त का खाना शुरू कर दो, दो वक्त खाना बंद। इनका कोई भरोसा नहीं। हमें एक इंडिकेशन इन्होंने दे रहे हैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि हिंदुस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस कितना बड़ा हो गया है। सांसद तो कहीं ना कहीं से खा ही लेते हैं खाना, हमारे सबके अपने वहाँ पे फ्लैट्स हैं, घर हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पत्रकार बंधु हैं वो भी सेंट्रल हॉल में खाना खाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रीवियसली एमपी रहे हों, कभी कभी आते हैं। बहरहाल, इनकी सब्सिडी बंद करने ना करने से ना तो देश की फाइनेंशियल सिस्टम पर कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन ये दिखावा है, कहना कुछ चाहते हैं और कर कुछ रहे हैं, और इसका इंडिकेशन अच्छी तरह से सबकी समझ में भी आता है। मतलब जो सरकार फैसला ले रही है सब्सिडी सांसदों को जो खाने कैंटीन की सब्सिडी ख़त्म करने जा रही है, ये आपकी नज़र में गलत है फैसला? यकीनी तौर पे। अभी क्या हमारे देश के इतने बुरे हालात हो गए कि सांसदों की सब्सिडी भी ख़त्म कर दी जाए? सांसद अगर खाते हैं या किसी को साथ ले आके खिलाते हैं, ठीक है, सांसद तो झेल ही लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इंडिकेशन बहुत गलत है। ये इंडिकेशन तो यही जा रहा है जी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के लोगों को तुम फ्री खाना नहीं खिला सकते, तो सब्सिडाइज खाना खिलाते थे, अब वो भी बंद कर रहा हो। इतना पैसा देश के पास है नहीं क्या? क्या क्या मंत्रियों के खर्चे कम हुए? क्या और लोगों के खर्चे कम हो रहे हैं? तो एक दिखावा है और कुछ नहीं।